इसको कहे बिना तो कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं ना, तो इसलिए हम किसी के लिए, मैं तो बीजेपी के लोगों को भी समझा रही हूँ कि कांग्रेस के लोगों को हर बात में मजाक में बनाया गया, तो विपक्ष है, उनका लोकतंत्र में अपना एक अधिकार होता है, एक स्थान होता है, आपका स्थान लोगों के दिल में है, लोगों के दिल में बीजेपी बैठी हुई है, लोगों को बीजेपी का कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता, सारे दुनिया के नेता इकट्ठे हो जाए, आप मुझे बताइए मोदी का कोई विकल्प है, क्योंकि मोदी किस अधिक स्थान पर करेंगे, राम और रोटी के, रोटी भी है, हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है, अच्छा डिफेंस भी है, स्वदेशी भी है, तो मुकाबला तो हेड से होगा ना, हाथ पांव कितने मजबूत हो, सीधी गायब हो जाएगा, तो जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन प्रदेश में तो शिवराज सिंह अभी चेहरा दिखाई दे रहे हैं, भाई थोड़ा हाथ पीछे कर लिया, पीछे कर लिया, किसको देना था? मैं का बहुत सम्मान करती हूँ, उनको बड़ा भाई मानती हूँ, और उनने जो शराबबंदी की, बस मैं यहाँ से लौट के गई हूँ, मुझे खुशखबरी मिली, 18 के बाद जो मैं गई मुझे खुशखबरी मिली, और उससे मैं बहुत खुश हूँ, 2500 आते एक साथ गिरा दिए गए, ठीक है। अब रही बात क्या बोलते हैं, विवादास्पद दुकानें शराब पी के चलना, इसमें पुलिस पूरे टाइम थोड़ी खड़ी रहेगी, थोड़ा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के जो पार्षद हैं, जो जनपद पंचायतों के, जिला पंचायतों के सदस्य हैं, ये सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का, सांसदों का काम क्या है कि वो इन सब चीजों पर कंट्रोल करा दें, इनकी खुद की मिली भगत नहीं होनी चाहिए, सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया, शराबबंदी भी, और मेरे अपना काम पूरा कर दिया, शराबबंदी भी तो नहीं हो पाई लेकिन पूरी कर दी। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि सवाल यह है कि सरकार की नीयत साफ है कि नहीं, शिवराज जी की नीति साफ है कि नहीं, वो नीति साफ जी। दीदी लगातार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार आ रहे हैं, क्या डर सता रहा है कि बीजेपी की डर नहीं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं समझते, वो अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता समझते हैं, यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है कि हम नेता नहीं समझते अपने आप को, कार्यकर्ता समझते हैं, तो कार्यकर्ता के नाते वो मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि वो सरपंच की भी लेकर जिम्मेवारी लेंगे, और गृहमंत्री अमित शाह खुद बहुत कष्ट उठाए हैं, जेलों में रहे हैं, वो भाजपा की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, तो इसलिए वो लोग तपस्या कर रहे हैं, हम भी तपस्या कर रहे हैं, सब तपस्या कर रहे हैं। थैंक यू। सिंधिया जी जी चेहरा हो सकते हैं आने वाले चुनाव में, चेहरा बहुत अच्छा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन चुनाव की बात बीजेपी शर्मा जी जिस उद्देश्य सिंधिया का भी अच्छा लगता है, तुम्हारा भी अच्छा लगता है, इनको तो तुम्हें नेता बनवा दे। इस उद्देश्य को लेकर आपने दिख दिया कि सरकार को उखाड़ फेंका था, क्या उद्देश्य आपका पूरा हुआ है? वो उद्देश्य क्या है कि वो एक अनंत काल तक चलने वाला उद्देश्य है, संपूर्ण विकास, समग्र विकास, उस दृष्टि से वो यात्रा चल रही है सतत, जिसमें शिवराज जी प्रयत्नशील हैं, वो पंचायत अभियान जो है अभी चल रहा है सतत, लेकिन मेरी मूल इच्छा है कि क्षिप्रा का जल महादेव को मिले, अब क्षिप्रा का साफ सुथरा जल महादेव को मिले। दीदी एक आखिरी सवाल था, कल चंद्रयान का बहुत सारे सवाल थे जी जी जी, कल चंद्रयान का सफल परीक्षण हुआ, उसको लेकर किस प्रकार बाबा से कामना की आपने? मैं अभी तो यहाँ तक भूल गई थी, मैं बताऊँ मुझे बाबा को जब सामने दिखते हैं तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन चंद्रयान जाना और उसमें हमें सफलता मिल रहा है, साबित कर रहा है कि अंतरिक्ष में भी अब हम दुनिया के उन देशों की बराबरी पर आ जाएंगे जो अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाइयों को छू लिए हैं, हम गहराइयों में भी चले जाएंगे, हम धरती पर भी चले जाएंगे और हम आकाश में भी पहुंच जाएंगे, ये सब मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मैं मोदी जी के स्वास्थ्य की, दीर्घायु की, लंबे समय तक राज करने की कामना करती हूँ, और मैं तय किया है कि वो 75 साल के तब हो पाएंगे जब मैं तय करूंगी, वो नहीं तय कर पाएंगे। को लेकर कुछ कहेंगे? जांच होने दीजिए ना, जांच होने दीजिए, किसने मना किया जांच के लिए?